Good morning, students. In the last session, we discussed about the SN reactions, SN1, SN2 reactions. Afterwards, we discuss in the next session that is SN reaction mechanisms, that is of SN1 reaction mechanism, SN2 reaction mechanism, and the optical activity, the concept which is used for proving that whether the SN1 reaction gives two types of product and SN2 reaction gives one type of product by the retention and inversion of configuration. Okay, so all these that we have discussed in the last two sessions. Today we are having a new particular type of reaction regarding the alkyl halide. It is of beta elimination. This is the most simplified and an easy reaction. So we will discuss about the beta elimination in alkyl halides. Okay, so if suppose we considered any kind of alkyl halide like the CH3, CH2, CH2 and Br. Okay, so this is nothing but what we are having: one bromo propane. Okay, so we can have a primary propyl bromide, that's okay. So in one bromo propane we have to carry out a beta elimination reaction. So beta elimination में सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो कि हमने जब टाइप्स रिएक्शंस देखी थी अल्किल हैलाइड रिलेटेड, प्रिपरेशन हो या फिर कन्वर्शन हो, ठीक है, तो प्रिपरेशन में हमने एक रिएक्शन देखी थी प्रिपरेशन में, ठीक है, टेकर ऑफ दिस वन दैट इज ऑफ CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हमने HBr की एडिशन की थी आइदर ऑफ मॉर्गनिक ऑफ रूल या फिर एंटी मॉर्गनिक ऑफ रूल. होप यू रिमेंबर दिस, है ना, मॉर्गनिक और एंटी मॉर्गनिक ऑफ रूल परऑक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग जनरली ये प्रोसेस करते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये HBr को हमने ये डबल बॉन्ड के अगेंस्ट क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, एडिशन रिएक्शन थी, जहाँ पे हमने स्टेटमेंट भी दिया था कि वेदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एड्स टू अनसिमेट्रिकल अल्किल. तो इसका मतलब प्रोसेस क्या होगी, एडिशन होगी, और एडिशन होने के बाद में हमारे पास में कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिले अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कह सकते हैं या फिर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं. सो इट इज लाइक दिस, CH3, CH2, CH2 एंड Br. ओके, सो ये प्रोसेस क्या होगी, एडिशन प्रोसेस होगी. अब हमें क्या करना है, इलिमिनेशन करना है. तो इसका मतलब एडिशन और इलिमिनेशन दीज आर टू अपोजिट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है. तो करना ये होगा जिस तरह से हमने HBr को इसमें अटैच करके यहाँ पे अल्किल हैलाइड बना लिया था, अब हमारे पास में रॉ मटेरियल कौन है, अल्किल हैलाइड है. इसमें से हमें कुछ ऐसे निकालना होगा जिस तरह से इलिमिनेशन करने के बाद में कार्बन कार्बन में क्या बन जाए, डबल बॉन्ड बन जाए. कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड बनता है, फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड वी आर कन्वर्टेड इनटू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इस तरह से अगर हम लोग जाते हैं तो नेचुरली द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इलिमिनेशन. वी आर नॉट स्टेटिंग इट इज एज अ बीटा इलिमिनेशन, वी आर जस्ट गिविंग अ कंसेप्ट इट इज ऑफ एडिशन एंड इलिमिनेशन, ठीक है. तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये कैसा है, सैचुरेटेड है, और इसे हमें इलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हम लोग इसको डालते हैं तो यहाँ पे नेचुरली हमें किस तरह का कंपाउंड मिलना चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलना चाहिए, और आई एम एक्सपेक्टेड दैट इट मस्ट बी ऑफ अल्किल, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा. ये देखो इसमें से भी ध्यान में आ सकता है कि यही इसी को मैं अगर इलिमिनेशन रिएक्शन में अगर लाता हूं तो इलिमिनेशन रिएक्शन में इसका क्या बनेगा, अल्किल बन जाएगा, है ना. So that is the process what we have to carry out. So how it is possible? So we'll go with this. Beta elimination में करना क्या हो? देखो, if suppose I'm having an example like this, CH3, CH2, Br, ऐसे मैंने लिख दिया. So एक काम करते हैं, representative structure से हम उसे पहले explain करते हैं और उसके बाद में then we are having an example, ठीक है. जैसे कि देखो, if suppose what we are carry out it is like this, suppose ये Br है, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया, suppose मैंने ये Br है और यहाँ पे मैंने H लिख लिया, ठीक है, ये इस तरह का हमारे पास में अल्किल हैलाइड है, ठीक है. अब ये अल्किल हैलाइड में अगर बीटा एलिमिनेशन प्रोसेस करना है तो हमने जब सीखा था दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो जनरली व्हाट वी आर हैविंग कि इसमें से अगर हमें अल्किन हम लोग बनाते हैं तो इंस्टेड ऑफ एक्वियस KOH व्हाट मस्ट बी यूज्ड, अल्कोहलिक KOH, है ना. ये देखो ये चीज ध्यान में रखनी होगी क्योंकि जब हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं और व्हेन वी यूज एक्वियस तो एक्वियस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है ना,
एक्वियस प्रोसेस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, एक्वियस केमिकल अगर यूज करते हो जहां पर Br गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय OH, वही अगर मैंने अल्कोहलिक ले लिया तो यहां कौन सी प्रोसेस होगी, इलिमिनेशन प्रोसेस होगी। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना होगा, बाय द कंडीशन KOH यूज करना है, लेकिन एक्वियस में लेते हो तो हाइड्रोलिसिस होगा, और अल्कोहलिक प्रोसेस में लेते हो, अल्कोहलिक कंडीशन में लेते हो तो इलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो इफ वी टेक दिस पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ अल्कोहलिक KOH, मैंने अगर समझो ये KOH ले लिया यहाँ पे, और वो कैसे ले लिया, अल्कोहलिक ले लिया, तो यहां पर होता ये है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। एसिडिक हाइड्रोजन माने कौन सा, तो इट्स वेरी सिंपल कि देखो ये जो Br है, ये Br इस कार्बन को अटैच है, तो नेचुरली ये कार्बन से Br की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, माइनस का इफेक्ट काम कर रहा है ना, ये कार्बन से Br की तरफ जा रहा है, तो नेचुरली ये कार्बन की तरफ अगर Br से जाते हैं तो नेचुरली ये कार्बन, ये यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बनता है, ये कौन सा बनता है, एसिडिक हाइड्रोजन बनता है, नेबरिंग कार्बन वाला हाइड्रोजन क्या बनता है, एसिडिक, क्योंकि माइनस का इफेक्ट वहां पे बहुत ज्यादा काम करता है, तो नेचुरली यहां से जब ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये किस तरह से बाहर निकलेगा, एज अ एच प्लस को, ये क्या बन गया, एसिडिक हाइड्रोजन बन गया, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब होती है तो ये इस तरह से देखो, जब अल्कोहलिक KOH हम लोग यूज करेंगे, तो अल्कोहलिक KOH में से यहां से क्या निकल जाएगा, H, H निकल जाएगा, एज अ एच प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने अगर इसको इस स्टेप में इस तरह से लिख लिया कि दैट इज ऑफ सी विथ Br एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज अगर बनता है तो इसे स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अगर इस पे शेयर कर देता है तो यहां से क्या निकल जाएगा, Br निकल जाएगा, Br जैसे निकलेगा तो ये क्या बनेगा, Br पॉजिटिव, और यहाँ पे दोनों में क्या बन जाएगा, दैट इट विल फॉर्म व्हाट, अ डबल बॉन्ड, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हमने इसे पहले बाहर निकाल दिया, Br को मैंने अगर बाहर निकाल दिया तो यही चीज इस तरह से होगी, देखो इट इज लाइक दिस, दिस इज ऑफ, ये Br को मैं बाहर निकाल दिया, ये Br को मैंने बाहर निकाल लिया, तो नेचुरली ये C और Br यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, डेल पॉजिटिव, ये कौन सा रहेगा, डेल निगेटिव, तो ये पोलर है, तो ये आसानी से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये Br मैंने अगर बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, नेबरिंग कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और नेबरिंग कार्बन से जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेचुरली दे ये हाइड्रोजन कैसे बनेगा, इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर। सो यहां पर क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या निकलेगा, बाहर H प्लस निकल जाएगा बाहर, ठीक है। जैसे ही H प्लस, कौन सा वाला H प्लस निकलेगा, नेबरिंग कार्बन वाला H प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये देखो यहां पर ये जो H है, ये अगर H प्लस निकल गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, तो नेचुरली ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा, दैट बॉन्ड विल शिफ्टेड टू द कार्बन, और H कैसे निकलेगा, एज H प्लस, तो यहाँ पे क्या बना, इट इज लाइक दिस, ये बन गया कार्बन, ये बना पॉजिटिव, ये क्या बना, निगेटिव, और ये इस तरह से, अब पॉजिटिव निगेटिव में क्या बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है, सो इट इज लाइक दिस, इट इज डबल बॉन्ड एंड दिस वन, ये क्या बना यहाँ पे, ये बन गया एल्कीन, ठीक है। अब हमारे पास में हमने दोनों तरह से रिएक्शन करके देखी, ये पहले H को भी निकाले या फिर Br को भी निकाले, तो मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, बाय द लॉस ऑफ Br, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसे बनता है, ये पोलर वाला बॉन्ड बनता है, तो इसमें से Br निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें हम लोग Br निकाल लेते हैं आसानी से, वो पोलर होता है, तो जिसकी वजह से, तो यहाँ पर भी जब हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो पहले किसको निकाल लेंगे, Br को निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। अब इसमें भी दो चीजें आती है इलिमिनेशन में, जैसे SN रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन थी, तो उसमें SN1 और SN2 था, तो इसमें इलिमिनेशन में भी दो टाइप्स की रिएक्शन होती है। इलिमिनेशन में जनरली जो रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है, इसे कहा जाता है E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, दैट इज ऑफ यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन भी कह सकते हैं, सो दैट इज E1 रिएक्शन, E2 मतलब बायमोलिकुलर, ठीक है। तो ये तो मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा, फिर से एक बार बायमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर यू नो दैट वी डिस्कस इन SN1 है SN2, तो ये ध्यान में आ गया, देखो एक बार फिर से वे डिस्कस इट इन दिस वे, देखो इफ सपोज वी आर हैविंग, मैंने लिख लिया Br, H, 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 H और H, ठीक है। इसको मैंने किसके साथ ट्रीट कर लिया, अल्कोहलिक
केवल, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे होने वाला क्या है, ये होने वाला है यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे सबसे पहले कौन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा एज अ Br negative, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया फिर से एक बार देखो, that is like this, ये बन गया positive और यहाँ से क्या निकला Br negative निकल गया, ठीक है। अब ये C positive को stability के लिए वो क्या करेगा, neighbor carbon से electron अगर खींचता है तो ये तीनों hydrogen क्या बन जाते हैं, acidic बन जाते हैं, ठीक है। तो as both all three hydrogen they becomes acidic, इनमें से कोई भी एक hydrogen मैंने निकाल लिया तो ये इसमें से मैंने एक H प्लस निकाल दिया, कौन सी पोजीशन से, ये कार्बन की पोजीशन से निकाल दिया, तो ये कार्बन की पोजीशन से मैंने H प्लस अगर निकाल लेता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, H C विद नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H यहाँ पे C, इट इज लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, इट इज लाइक दिस डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये प्रोसेस बनती है कौन सी वाली, इलिमिनेशन, ठीक है। अब इसे ये चीज बताया गया है बीटा इलिमिनेशन, तो बीटा क्या, बीटा का मतलब क्या होता है, तो बीटा का एक्चुअली डिफाइंस व्हाट द पोजीशन फ्रॉम वेयर द हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है जैसे Br है, ये कार्बन को अगर Br अटैच है तो नेचुरली हम लोग उसे कौन सी पोजीशन बताते हैं, अल्फा, वो तो फिक्स है, Br को तो बाहर निकालना ही निकालना है, ठीक है, ठीक है। Br को अगर बाहर निकालना है तो वो तो पोजीशन फिक्स हो जाएगी अल्फा, लेकिन ये पोजीशन बदल सकती है, बदल सकती है इन द सेंस यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन भी आ सकते हैं, ठीक है। हम लोग वो भी एक एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास में यहाँ पे Br है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया CH3, यहाँ पे H लिख लिया और यहाँ पर भी मैंने लिख लिया CH3 सपोज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली पोजीशन कौन सी बनी, अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इन द सेंस अल्फा के नेबरल जो पोजीशंस होती है उसको क्या कहा जाता है, बीटा। तो ये बन गया बीटा और ये भी बन गया बीटा, ओके। तो ये यहां पर अल्फा की पोजीशन तो एक ही रहेगी, जिसे फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा उस कार्बन की पोजीशन रहेगी अल्फा, लेकिन उसके साथ साथ और कौन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, जो कहां से निकल रहे हैं हम लोग, बीटा पोजीशन से निकल रहे हैं। तो नेचुरली बीटा पोजीशन उसके एडजेसेंट में CH3 की भी हो सकती है, CH2 की भी हो सकती है, CH की भी हो सकती है। सो डिपेंड करता है दैट कौन से वाले कार्बन पे से आप हाइड्रोजन बाहर निकालोगे, और वैसे भी हाइड्रोजन उसी से बाहर निकलेगा वो जो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे बताया कि ये वाला हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, एसिडिक। क्यों एसिडिक बन रहा है, क्योंकि इसके नेबरिंग में जो कार्बन है ये कैसा है, सी पॉजिटिव है, ये सी पॉजिटिव है माने कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, डिफिशियंट है मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो नेचुरली इनमें पोलैरिटी बढ़ेगी और ये हाइड्रोजन कैसे बन जाते हैं, एज अ पोलर मतलब डेल पॉजिटिव इस तरह से बनेंगे, तो नेचुरली वहां पे क्या जनरेट होगी, पोलैरिटी, और जैसे ये एच बाहर निकलेगा तो ये कैसे बनेगा, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन बन सकते हैं, है ना। तो दैट इज व्हाट एसिडिक हाइड्रोजन को जो बाहर निकालना है वो एडजेसेंट पोजीशन से निकालना होता है। एडजेसेंट पोजीशन से निकालने के लिए हमें डिटरमाइन करना होगा उसमें या फिर देखना होगा कि कौन सा वाला हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जो ज्यादा एसिडिक होगा वो बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड वो ज्यादा एसिडिक होगा तो वो आसानी से बाहर निकलेगा, जो कम एसिडिक होगा उसको बाहर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, फाइन। तो इसमें अगर इस तरह से हम लोग दो एग्जाम्पल के बारे में अगर सोचते हैं, देखो जिसमें एक ही पर्टिकुलरली कार्बन इन द सेंस एसिडिक हाइड्रोजन के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, जैसे H H H एंड दैट इज ऑफ आई एम हैविंग सपोज CH2 Br, ठीक है, और दूसरा मैंने इस तरह से लिख लिया दैट इज ऑफ CH3 C H दिस इज ऑफ Br दिस इज ऑफ CH2 एंड दैट इज व्हाट CH3, दो एग्जांपल्स है, दोनों में मुझे क्या करना है, इल्यूमिनेशन करना है। इल्यूमिनेशन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, अल्कोहलिक KOH यूज करूंगा, ठीक है। अब अल्कोहलिक KOH जब यूज करूंगा तो एक Br निकल रहा है और एक क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। देखो ये पोजीशन क्या बनी, अल्फा, ये पोजीशन क्या बनी, अल्फा, ठीक है। फंक्शन ग्रुप को जो अटैच है पोजीशन इट बिकम्स अल्फा, ठीक है। अब अल्फा पे से क्या निकलने वाला है, Br निकलेगा। चलो यहां से हम लोग पहले Br निकाल लेते हैं, ये बन गया एच 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 और यहाँ पे क्या बना, CH2 विद पॉजिटिव। अब ये अल्फा पोजीशन वाले कार्बन के पास में एक ही कार्बन है जिस पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसके लिए कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास में दूसरा, जो भी हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे वो कहां निकालेंगे, इस कार्बन से निकालेंगे। चलो ठीक है, यहां से मैंने अगर हाइड्रोजन निकाल दिया H+ निकाल दिया सपोज,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट बिकम्स अ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सीधा सीधा बन गया, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि यही हाइड्रोजन क्या बनने वाले थे, एसिडिक बनने वाले थे बिकॉज ऑफ दिस CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें देखो व्हाट यू आर हैविंग CH3 दैट इज ऑफ CH विद पॉजिटिव चार्ज, दिस इज व्हाट यू आर हैविंग CH2 एंड देन CH3। ठीक है, यहां से मैंने Br को बाहर निकाल लिया ए पोजिशन पे से, तो Br को जब बाहर निकाल दिया यहां से तो यहां पे बना C पॉजिटिव बन गया। अब ये C पॉजिटिव ये अल्फा पोजिशन है, ये अल्फा पोजिशन के एडजेसेंट में ये दो बीटा पोजिशन है। अब हाइड्रोजन कहां से निकालोगे, CH3 से निकालोगे या फिर CH2 से निकालोगे, कौन सा वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक बनता है, इससे भी ज्यादा कंसेप्ट और एक यहां पे यूज किया गया है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, दैट प्रोडक्ट मस्ट बी स्टेबल, क्योंकि आप एक तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना रहे, अनसैचुरेटेड बना रहे तो उसमें भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी बन सकती है, तो उस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि इन पर्टिकुलर इसमें से दोनों तरफ से हम लोग हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं। अगर सपोज मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2 एंड CH3। ये कैसे बनाया हमने, ये देखो CH3 से क्या निकाल लिया, H निकाल लिया, यहां से H निकाल लिया तो यहां पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH बन गया। ठीक है, अब यहां से H अगर निकाल दिया तो इन दोनों में डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज व्हाट CH3। ठीक है, तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट तो बन रहे। अब दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, क्योंकि जो स्टेबल रहेगा वही आगे जाएगा। तो ये देखो ये प्रोडक्ट में अगर हम लोग चेक करते हैं तो जहां पर ये दो पर्टिकुलर कार्बन है ये sp2 है बराबर, और यहाँ पे ये दो कार्बन जो है ये sp2 है, मतलब हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अगर हम ये कार्बन और ये कार्बन को हम लोग चेक करते हैं तो इस कार्बन को एक CH3 अटैच है, यहां पर भी एक CH3 अटैच है, ये दोनों के दोनों किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेंगे, बट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, अल्फा ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहां पर अगर चेक करते हैं तो इसके पास में ये ग्रुप तो है, ठीक है, अच्छा ओके, लेकिन इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू दिस टू कार्बन, है ना। तो ये डबल बॉन्ड क्या बन गया, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बन गया, क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिर्फ एक को अटैच है, तो नेचुरली ये बनता है मोर एंड मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट, तो नेचुरली ये प्रोडक्ट ज्यादातर हमें वहां पर मिलेगा, जानना है। तो ये बनता है स्पेसिफिकेशन। आपके पास अगर दो ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन में से जहां पर डबल बॉन्ड बनने के बाद में वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसका मतलब जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है तो दैट पर्टिकुलरली कंपाउंड बिकम्स अ क्वाइट स्टेबल कंपेयर टू द अदर वन। ठीक है, तो ये जहां पर आपके पास में कोई चॉइस ही नहीं है, यही से आप हाइड्रोजन निकालोगे, आपके पास दूसरा कोई बीटा पोजिशन है नहीं, तो वहां पे तो एक ही पर्टिकुलरली प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जहां पर आपके पास में चॉइस है वहां पे आपको क्या देखना होगा, कहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, जो डबल बॉन्ड बनने के बाद में वहां पे वो ज्यादातर क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए। उसे ओके, तो ये जो चीज है ये चीज होती है अकॉर्डिंग टू, तो ये फिर उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट इज अकॉर्डिंग टू सेल्सियस रूल। ठीक है, ये सेल्सियस रूल के हिसाब से होता है। तो सेल्सियस रूल का मानना ये है, दैट इज द स्टेटमेंट इट इज लाइक दिस, कि ड्यूरिंग द बीटा एलिमिनेशन इन द एल्किल हैलाइड्स, ओके, द डबल बॉन्ड मस्ट पजेसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, या फिर आप जहां पर डबल बॉन्ड बना रहे हो वहां पे क्या होना चाहिए, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, वही प्रोडक्ट्स वहां पे बन सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट सेल्सियस रूल। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि जब भी आप इलिमिनेशन करोगे तो इलिमिनेशन करते वक्त इट मस्ट फॉलो अ सेल्सियस रूल, और उसका मीनिंग क्या बनता है कि सेल्सियस रूल के अनुसार जब भी आप बीटा एलिमिनेशन करोगे तो बीटा एलिमिनेशन करते वक्त वहां पर अगर आपके पास में चॉइसेस है वेयर द डबल बॉन्ड शुड फॉर्म, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन उस जगह पे रखो जहां पर उसे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेल्सियस रूल। ठीक है, तो एक बार फिर से एक बार ओवरलुक करो,
हमने आज जो डिस्कस किया है इट इज अबाउट द इलिमिनेशन इन द अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड में जब इलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो हम लोग रिएजेंट क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम Br और H, Br माने कहां से, अल्फा पोजीशन से, सो इट्स ऑब्वियस, सो Br पोजीशन, Br हम यहां से निकालेंगे और H उसके एडजेसेंट कार्बन से निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास में Br और H निकल जाता है तो यहां पे क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 मतलब क्या बना, अल्किन बन गया। ठीक है, चलो इसको और एक नाम दे देते हैं हम लोग, दैट इज आप क्या क्या निकाल रहे हो वहां से, H एंड Br, ये दोनों चीजें आप निकाल रहे हो वहां से, अलग अलग निकाल रहे हो। ठीक है, तो H एंड Br जब अलग अलग निकाल रहे हो तो इसे प्रोसेस में D, D का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, ठीक है ना, D का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव कर रहे हो आप, दैट इज हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, मतलब हैलोजन रिमूव कर रहे हो, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि आप एक ही कंपाउंड में से हैलोजन और हाइड्रोजन ये निकाल रहे हो, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो इसे ध्यान में रखो, द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज बीटा इल्यूमिनेशन, इज इट ओके, सो द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज बीटा इल्यूमिनेशन। चलो ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि दैट इज व्हाट एग्जैक्टली बीटा इल्यूमिनेशन, दो चीज, दैट इज इट फॉलो द टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, E1 और E2 मैकेनिज्म। अब देखो दे आर वेरी पैरेलल टू द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। कैसे, जैसे हमने बताया था कि SN1 जो होता है वो टू स्टेप में होता है, तो E1 भी क्या होगा, टू स्टेप में होगा। चलो ठीक है, टू स्टेप में होगा इसका मतलब क्या होगा, उसमें हमने बताया था कि वो SN1 में कार्बोकैटायन भी बनता है, तो इसमें भी बनना चाहिए। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से करके देखते हैं। देखो अगर मेरे पास में यहाँ पे Br है और यहाँ पे H है, ऐसे लिख लिया मैंने जहां से मुझे निकालना है। ठीक है, तो पहले स्टेप कैसी होगी, पहले स्टेप होगी स्लो, वही क्या होगी, RDS होगी, और जहां से भी सिर्फ मैं क्या निकालूंगा, वहां से Br निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो C with positive charge, चलो ठीक है, बन गया कार्बोकैटायन, तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट, ये क्या बना यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब आगे जो स्टेप होगी वो कौन सी होगी, फास्ट होगी, है ना, और फास्ट स्टेप में क्या होगा, ये निकल जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन और ये बॉन्ड यहाँ पे मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, तो इस हिसाब से ये यहाँ पे निकल गया H+ और ये बन गया इस तरह से Like this. तो ये बन गया आपका अल्कीन। ये देखो यहाँ पे पहले आपने क्या निकाल लिया, Br negative निकाल लिया और उसके बाद H+ निकाल लिया। The process is called as a dehydrohalogenation and that is nothing but what, beta elimination. तो ये दोनों स्टेप होने के लिए, ये पूरा प्रोसेस होने के लिए हमारे पास में दो स्टेप थी। ठीक है, कार्बोकैटायन भी बन गया, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ E1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इट इज वेरी पैरेलल टू द SN1, वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, यहां पे इलिमिनेशन हो रहा है। अब E2 कैसे होगा, इट इज अ वन स्टेप, मतलब कैसे होगा, एक ही स्टेप में क्या होगा, दैट मस्ट बी अ रिलीज ऑफ Br एंड दैट मस्ट बी अ रिलीज ऑफ H। तो इसी को अगर मैं सपोज इस तरह से लिख लेता हूं, दैट इज इट इज हैविंग Br एंड दिस इज व्हाट H, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे दो चीजें साथ में होगी, मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ व्हाट, देयर इज अ लॉस ऑफ Br एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। तो एक काम करते हैं वहां पे इस तरह से दिखा देते हैं कि दैट इज व्हाट एग्जैक्टली लाइक दिस। देखो अब Br का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये Br का बॉन्ड है, इस तरह से दिखा देता हूं, ये Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड भी कहां ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, लाइक दिस, ओके। सो एट द सेम टाइम देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये देखो ये यहां पे नया बॉन्ड बन रहा है, तो इस हिसाब से ये यहां पे क्या बनेगा, फिर से डबल बॉन्ड एंड इट इज लाइक दिस। ठीक है, ओके फाइन। सो हाइड्रोजन भी एक ही टाइम में निकल रहा है, Br भी एक ही टाइम में निकल रहा है, सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन कैरीड आउट इन अ वन स्टेप एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ E2 मैकेनिज्म। ठीक है, सो ये SN1 SN2 के हिसाब से ध्यान में रखो कि जिस तरह से SN1 SN2 में दो स्टेप में होता है, वन स्टेप में होता है, उसी तरह से E1 E2 में भी दो स्टेप या वन स्टेप में हो सकता है। ठीक है, सो इट मे फॉलो अ E1 मैकेनिज्म, इट मे फॉलो अ E2 मैकेनिज्म, डिपेंडिंग कि वहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे CH3 लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे CH3 लिख लिया, तो नेचुरली यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये तीन CH3 इस कार्बन को अटैच है, तो ये आसानी से स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे सब तरफ H लिख ली,
तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ये वाला जो बनेगा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन कौन सा वाला बन रहा है, ये बनेगा कौन सा वाला प्राइमरी, और ये कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है टर्शियरी। तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन में बीटा एलिमिनेशन होता है तो वो कितने स्टेप पे होना चाहिए, टू स्टेप पे होना चाहिए। तो इट इज लाइक दिस, ये अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन के हिसाब से अगर एलिमिनेशन करते तो कितने स्टेप पे होगा, वन स्टेप पे हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म एज व्हाट, ई1 मैकेनिज्म एंड ई2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसे हम लोग फाइनली एक रिएक्शन की तरह लिख लेते हैं कि क्या होगा। If suppose you are having CH, this is BR, CH3, ये मेरे पास अल्किल हैलाइड है, इसको मैंने किसके साथ ट्रीट कर दिया, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर दिया। तो यहाँ पे मिलने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, अल्किल। अब देखो यहाँ पे यहाँ से भी निकालते हो, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालते हो, तो यू आर गेटिंग सेम प्रोडक्ट, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे, सो वी आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सो इट इज वॉट CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया अल्किल। उसके बाद में बनेगा KBr, देखो Br और H, HBr नहीं बना रहे, HBr नहीं बना रहे, H अलग निकल रहा है, Br अलग निकल रहा है, जो Br निकल रहा है वो Br K के साथ कंबाइन होकर KBr बना रहा है, और H जो है वो एसिडिक है, तो यहाँ पे बेस बेसिक नेचर किसका है, OH नेगेटिविटी इज अ बेसिक इन नेचर, तो एसिड और बेस यहाँ पे क्या देखो क्या बना रहा है, HOH बना रहा है इस तरह से, H पॉजिटिव है OH नेगेटिव, वो बेस क्या करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को खुद की तरफ खींच लेगा, तो बेसिक नेचर OH का है, तो यहां से निकलने वाला H किसके साथ अटैच होगा, OH के साथ rather than Br के साथ में, ठीक है। सो ये इस तरह से रिएक्शन रहेगी, when alkyl halide it is treated with alcoholic KOH, it is converted into alkene with the loss of Br and H, so that is why the process is called as a dehydrohalogenation, और उसे क्या कहा गया है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन किसके हिसाब से, सेल्जर्स रूल के हिसाब से वो बीटा एलिमिनेशन हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और इल्यूमिनेशन कितने टाइप्स है, दो, E1 और E2 टाइप्स है, ठीक है। डिपेंड करता है कि जहां पर लिविंग ग्रुप जो होता है या फिर जो बीआर होता है वो आसानी से निकलता है या नहीं निकलता है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर कार्बोकैटायन किस तरह से बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर इट इज हैविंग एन E1 और E2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है जहां पर आपको अल्कीन बनाना होता है अल्किल हैलाइड से, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं लास्ट में देता हूं यहां पे, यू कैन चेक इट आउट कि कहां पर जनरली बॉन्ड बन सकता है। देखो कैसे CH3 यहां पे बना CH2, ये बना यहां पे CH3, ये बना CH3 और ये बना यहां पे Br, ठीक है। तो यही पे ओरली हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो कैसे कि ये आपका अल्फा है और आपके पास में बीटा पोजीशंस कितनी बन रही है, तीन बीटा पोजीशंस बन रही है। तो सेल्जर्स रूल ने क्या कहा था कि ऐसे जगह डबल बॉन्ड बनाओ ताकि वो क्या बने, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बन जाए। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बन सकता है, देखो यहां से आपने क्या निकाल लिया, Br निकाल लिया, सपोज ये निकाल दिया मैंने Br, तो यहाँ पे क्या बना, देखो CH3 CH2 C with पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बना CH3 और ये भी क्या बना CH3। अब आपके पास में तीन चॉइसेस है जहां पे आप H निकाल सकते हो, समझो आपने यहां से H निकाल दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां से H निकाल दिया तो यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां से H निकाल दिया तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड होगा वो बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखो अगर मैं फाइनली ये प्रोडक्ट में निकाल लेता हूं, देखो यहां पे अगर मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूं तो ये कार्बन को कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड बना लेता हूं तो इस कार्बन को भी नहीं है, लेकिन यहां पर अगर डबल बॉन्ड बना लेता हूं तो ये कार्बन को दो CH3 ग्रुप अटैच है और इस कार्बन को एक CH3 ग्रुप अटैच है, तो दोनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने के कारण यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। सो इट विल गोज लाइक दिस, CH3CH डबल बॉन्ड C एंड दैट इज ऑफ CH3 एंड CH3 लाइक दिस, है ना। प्लस ये बनेगा KBr और एक बनेगा H2O, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, अल्कोहलिक KOH ले लेता हूँ। So, मैंने यही पर डबल बॉन्ड क्यों बनाया, अकॉर्डिंग टू द सेल्जर्स रूल, उसने ये बताया था कि डबल बॉन्ड उस जगह पे बनाओ जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बीटा एलिमिनेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड, जो कि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां पे अल्किन सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम द अल्किल हैलाइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो दिस सेशन विल बी सम अप विद दिस बीटा एलिमिनेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, राइट।